एमके सेल एरा लाइव का सेशन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें लैब में जाएंगे, वहाँ से टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद, वहाँ पर कुछ टाइप करने के बाद उसे सेव कर देंगे। सेव करके उसे एंड एग्जाम कर देना है। नेक्स्ट उसमें सेल्फ लर्निंग पाथ है, स्टार्ट करेंगे सेल्फ लर्निंग पाथ। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द टास्क बार इन विंडोज 10 कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज इट इज लॉक्ड एट्रीब्यूट ऑफ द डेस्कटॉप। तो इसे हम फॉल्स करेंगे, यह गलत स्टेटमेंट है, मॉडिफाई किया जा सकता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड द सेटिंग्स दैट हेल्प्स यू टू पर्सनलाइज द लुक ऑफ द टास्क बार का लुक कहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग चेंज करके। तो इसमें फर्स्ट इसका आंसर है, ड्रॉप डाउन लिस्ट विच अपियर्स आफ्टर यू राइट क्लिक इन द एम्प्टी एरिया ऑफ टास्क बार। खाली एरिया जो टास्क बार का है उस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ द डेस्कटॉप यू अलाउस यू टू एड और पिन अ टूल बार टू इट। इसमें से डेस्कटॉप के कौन से एरिया में हम पिन कर सकते हैं, तो टास्क बार में हम पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू टू गिव अ सी थ्रो इफेक्ट टू द टास्क बार। सी थ्रो इफेक्ट्स के लिए हमें क्या करना होगा, तो सेकेंड वाला चेंज द ट्रांसपेरेंसी हम चेंज करेंगे, इसको यस कर देना है और गो टू होम करना है। नेक्स्ट गाइडेड डू इट योर सेल्फ, इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एग्जाम, सबसे पहला क्वेश्चन है, ओपन द नोटपैड प्रोग्राम, टाइप करना है टेक्स्ट नेचर इज आर बेस्ट फ्रेंड और उसको चेंज करना है फॉन्ट एज एरियल। तो स्टार्ट में आना है ऑल प्रोग्राम्स, वहां से एक्सेसरीज, फिर नोटपैड हम स्टार्ट करेंगे और वहां पर लिखेंगे नेचर इज आर बेस्ट फ्रेंड। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, लिख भी सकते हैं। और फॉन्ट साइज एरियल करना है तो फॉर्मेट में आना होगा फॉन्ट, और यहाँ एरियल लिया हुआ है और बोल्ड इटैलिक भी है, 20 भी है, तो इसे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक द टास्क बार विद टॉगल की यूजिंग टास्क बार सेटिंग। टास्क बार की सेटिंग से हमें टास्क बार को लॉक कर देना है। तो यहाँ पर टास्क बार में एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करेंगे और ये लॉक द टास्क बार है, यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं। तो विंडोज 10 का क्वेश्चन है इसलिए ये विंडोज 7 में एम्प्टी एरिया में जाएंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ से भी कर सकते हैं लॉक द टास्क बार और सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेव डेस्कटॉप स्पेस एक्टिवेट विद द यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। सेव करना है डेस्कटॉप के स्पेस, तो एक्टिवेट करना है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स फीचर टास्क बार की सेटिंग्स से, और उसको डीएक्टिवेट भी करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहां से यूज स्मॉल आइकन्स ये ले लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, सबमिट करेंगे। रिट्राई करने के बाद इसको एक मरतबा फिर से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट करना है टास्क बार लोकेशन को टॉप या बॉटम में टास्क बार सेटिंग से। तो स्टार्ट करेंगे टास्क बार के एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां से बॉटम से लेफ्ट राइट टॉप यहां पर हम क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो राइट किया है तो राइट साइड में आ जाएगा टास्क बार, यहां से ऐसे सेटिंग कर सकते हैं हम, उसे फिर से स्टार्ट करेंगे और टॉप और बॉटम लिखा हुआ था तो टॉप या बॉटम लेना है यहां से, तो हम बॉटम लेकर ओके कर देंगे और सबमिट करेंगे। रिट्राई आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन करना है प्रोग्राम फीचर कैटेगरी कंट्रोल पैनल की विंडो से।
तो स्टार्ट में आएंगे कंट्रोल पैनल और वहां से हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे। प्रोग्राम्स एंड फीचर और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन करना है टास्क बार की सेटिंग, राइट क्लिक करने के बाद टास्क बार। तो टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और उसकी सेटिंग्स प्रॉपर्टीज से हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। एक मरतबा फिर से वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, डिस्प्ले करना है कंट्रोल पैनल कैटेगरी व्यू स्टाइल में। तो कंट्रोल पैनल में आना होगा और कैटेगरी जो लिखा हुआ है राइट साइड में, तो कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद उसे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड अ न्यू टूल बार टू द टास्क बार बाय राइट क्लिकिंग ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ टास्क बार। टूल बार लाना है तो टास्क बार के एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और टूल बार ऑप्शन में जाएंगे। वहां से न्यू टूल बार पर क्लिक करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट कर देंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए थे उसे एक्टिव करने के बाद डीएक्टिवेट कर देना है। यूज स्मॉल आइकन अप्लाई करेंगे और दोबारा जाकर स्मॉल आइकन हटा देंगे। जो रिट्राई आते हैं तो उन्हें बार बार ट्राई करना है एक मरतबा। अब इसको हम विंडोज 10 के अंदर चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेव करना है डेस्कटॉप की स्पेस, एक्टिवेट करने के बाद यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। तो टास्क बार पर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये सारा नया आ रहा है तो टास्क बार की सेटिंग में आएंगे। टास्क बार की सेटिंग ऑन होने पर इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। तो ये इसे ऑन कर देना है। विंडोज एक्टिवेट कभी नहीं होता है तो उसमें से फीचर ऑन नहीं होगा। ये ख़त्म हो जाने के बाद इसका नॉलेज चेक स्टार्ट करेंगे। नॉलेज चेक को स्टार्ट एग्जाम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यू कैन फाइंड आउट फाइंड ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द सेटिंग्स फॉर डेट एंड टाइम ऑन योर सिस्टम। यहाँ से किधर से हम सेटिंग फाइंड कर सकते हैं डेट और टाइम की। वेयर कैन यू फाइंड ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द सेटिंग्स फॉर डेट एंड टाइम, तो थर्ड लेना है। नेक्स्ट है वेयर विल यू क्लिक टू चेंज सेटिंग्स लाइक द पोजिशन ऑफ टास्क बार ऑन स्क्रीन, तो फर्स्ट ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट वेयर विल यू क्लिक इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फाइल शॉर्टकट, नए फाइल का शॉर्टकट आप कहाँ से बनाएंगे, तो फाइल का शॉर्टकट न्यू ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो लिखा है क्रिएट शॉर्टकट यहाँ से बनाएंगे, तो थर्ड ले लेना है। नेक्स्ट है यू हैव जस्ट इंस्टॉल द न्यू एंटीवायरस प्रोग्राम एंड विश टू अनइंस्टॉल द प्रीवियस वन। अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम को सेटिंग्स में से आपको कहाँ पर जाना होगा, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे सेटिंग्स। यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड फीचर ऑप्शन है सेकेंड, तो सेकेंड वाला लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑप्शन करेक्टली हाईलाइट्स द सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स कौन सा है, तो फर्स्ट वाला है, सर्च बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओला कैब्स मेन्यू, इसमें से कौन सा ओला कैब्स का मेन्यू है, तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में सेटिंग्स जो है वहाँ से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग इन ओला, ओला में ट्रैवल करने का इसमें से क्या एडवांटेज नहीं मिलता, तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसीव्ड आफ्टर बुकिंग अ ओला कैब, ओला कैब बुक करने के बाद क्या नहीं मिलता इसमें, तो कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस नहीं मिलता ड्राइवर का। नेक्स्ट है व्हाइल बुकिंग योर कैब यू आर नॉट श्योर अबाउट योर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन लोकेशन,
So you entered a nearby location and tried to set it manually. How can you do that? तो आप कैसे करेंगे इसमें? तो ऑप्शन नंबर टू जो है तो बी, यहाँ पर से ऐसे ट्राई करेंगे हम बी वाला. नेक्स्ट है, यू वॉन्ट टू चेक द बैलेंस इन यूर ओला वॉलेट. हाउ वुड यू डू? ओला वॉलेट का बैलेंस आप कहाँ से चेक करेंगे? तो हम यहाँ पर इमेज में जाएंगे, ओला मनी सी में है तो थर्ड वाला लेंगे ओला मनी. और अब इसको एंड एग्जाम कर देंगे, एंड एग्जाम करके ओके करेंगे. तो 100 out of 100. नेक्स्ट है सेशन कम्प्लीशन टेस्ट, इससे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स एंड डिस्कस टॉपिक्स विथ ईच अदर, विच वेबसाइट यू मे रेफर टू? तो फ्रेंड्स बनाकर डिस्कस टॉपिक करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है, दिस सोशल नेटवर्किंग साइट इज यूज फॉर प्रोफेशनल बिजनेस ओरिएंटेड नेटवर्क. तो बिजनेस ओरिएंटेड के लिए लिंक्डइन होता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेबसाइट स्पेशली डिजाइन टू अलाउ विजिटर्स टू यूज देयर ब्राउजर्स टू ऐड, एडिट और डिलीट साइट्स कंटेंट? तो विकिपीडिया की मदद से ये चीज़ होंगी. नेक्स्ट है, लिंक्डइन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट यू शुड विजिट इफ यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो सही है, इसको यस करना है, एंड एग्जाम करना है कन्फर्म. तो ये इंटरनल पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा है, इंटरनल मार्क्स 85, मतलब 100 out of 100. ये 9th वाला हो गया. अब 10th वाला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ से मार्क्स चेक करते रहना है. तो ये 8.35 यानी कि इसमें थोड़ा 9 तक मिल सकते हैं मार्क्स, लेकिन ये इस सेशंस में कटते रहेंगे. वैसे 2-4 मार्क्स कट कर मिल सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में सेशन नंबर 10 देखेंगे.